नमस्कार। लाइफ में बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, चाहे किसी को जॉब में मिल रहा है, चाहे किसी को बिजनेस में मिल रहा है, चाहे किसी को परिवार में मिल रहा है, या चाहे किसी को किसी अदर वर्क में मिल रहा है। इन नाउ प्रेजेंट टाइम पीपल क्या करते हैं? अगर एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन मिलता है ना, तो हताश, डिप्रेशन में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे यार ये कार्य तो मेरे लायक ही नहीं, यार ये कार्य मेरे से नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है। अपने आप को दोष नहीं देते हैं, बस किस्मत को दोष देते हैं या कोई दूसरा कारण ढूंढते हैं और किसी दूसरे को दोष देते हैं, किसी दूसरे की फॉल्ट निकालते हैं, अपनी फॉल्ट को दूसरे की फॉल्ट बताते हैं। अभी नाउ प्रेजेंट जनरेशन की बात करो, रिजेक्शन मिलने पर यह करते हैं। सबसे पहले तो रिजेक्शन मिलेगा तो निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिजेक्शन मिल गया ना किसी भी वर्क में, तो बस ऐसे हताश बैठ जाएंगे, उदास, निराश, और अपनी वीकनेस सर्च नहीं करेंगे, अपनी फॉल्ट, अपनी वीकनेस को दबाएंगे और दूसरों को ऊपर दोष मार देंगे कि नहीं यार उसकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, या और कुछ नहीं हुआ तो बस अपनी फेट उसको दोष दे देंगे, उसको कह देंगे मेरी किस्मत तो खराब है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है ना, तो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनूंगा, इट विल बी बेटर फॉर यू एंड योर लाइफ, मे बी आपकी लाइफ के लिए एक इंस्पायरिंग हो सकती है ये स्टोरी। और ये स्टोरी किसी छोटे मोटे इंसान की नहीं है, टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जी की है। क्या रिजेक्शन सिर्फ आपको ही मिल रहे हैं? क्या रिजेक्शन पाने वाले इस वर्ल्ड में, दुनिया में सिर्फ आप, यू आर ओनली 1%? नो, नेवर। एवरी पर्सन गेट रिजेक्शन इन हिज लाइफ, तो हाउ कैन यू से दैट यू आर ओनली 1%, यू आर गेटिंग ए रिजेक्शन। आप अकेले नहीं हो रिजेक्शन पाने के लिए, और हर इंसान को रिजेक्शन मिलता है। टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जी की आज अपन बात कर रहे हैं। ये एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में कहती हैं कि रिजेक्शन, आज हम सफलता के लेवल पे पहुंच गए तो क्या हमें रिजेक्शन नहीं मिला? वो कहते हैं मुझे भी बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, मैं भी हताश, निराश और उदास हुई, फिर भी रिजेक्शन को मैंने अपनाया कि हो सकता है समथिंग इज बेटर है मेरे लिए इन फ्यूचर में, अगर ये रिजेक्शन मिल रहा है तो। अनुष्का शर्मा जी मूवी में आने से पहले मॉडलिंग कर रहे थे और वो विज्ञापन भी करना चाहते थे, एडवर्टाइजमेंट। वो बार बार एडवर्टाइजमेंट के लिए टेस्ट देते और हर बार उनको रिजेक्ट किया जाता। कम से कम वो कहते हैं कि मैं 17-18 बार मेरे को हर कंपनी से रिजेक्शन मिला, मुझे कहीं पे भी अपॉइंट नहीं किया जा रहा था विज्ञापन के लिए। खूब उदासी हुई, खूब निराशा हुई, खूब हताशा हुई कि इतने रिजेक्शन मुझे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मैं भी डिप्रेशन में गई। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। फिर उसी दौरान आदित्य चोपड़ा, यशराज ग्रुप के मालिक, इनको एक मूवी के लिए फ्रेश लड़की चाहिए थी, बिल्कुल न्यू फेस वाली, तो उनकी तलाश पूरी हुई अनुष्का शर्मा जी के ऊपर और उन्होंने एक मूवी बनाई, बैंड बाजा बारात। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा इसमें, इस मूवी में दोनों थे और यह मूवी सुपर हिट रही। और मजेदार बात तो यह है कि इस मूवी में अनुष्का शर्मा जी को एक पंजाबी लड़की का रोल करना था और अनुष्का शर्मा जी बेंगलुरु से थी और उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। पता है जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं उनकी हिंदी कैसी होती, वैसी हिंदी अनुष्का शर्मा जी की थी। एक तो हिंदी नहीं आती, ऊपर से पंजाबी लड़के का रोल करना था। उन्होंने मेहनत की, हिंदी सीखी, पंजाबी सीखी, और जब फिल्म रिलीज हुई तब अनुष्का शर्मा जी की खूब तारीफ हुई और उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आईफा अवार्ड्स। तो अनुष्का शर्मा जी कहते हैं अगर मुझे विज्ञापन मिल जाते
और मैं जाना पहचाना चेहरा हो जाता तो क्या मैं इस मूवी में आ पाती? क्या मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल पाता? नहीं मिल पाता। वो कहते हैं कि रिजेक्शन मिल रहा है तो हो सकता है समथिंग इज बेटर देन इन फ्यूचर यू आर, हो सकता है कुछ बेटर हो तुम्हारे फ्यूचर में। मेहनत करना मत छोड़ना। वो कहते कोई भी काम ईमानदारी से करना, पेशेंस से करना और कॉन्फिडेंस रखना, आज नहीं तो कल। वो मेहनत आपके काम आएगी, वो कॉन्फिडेंस आपका काम आएगा, वो पेशेंस आपका काम आएगा। कभी भी मेहनत, आपका पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बेकार नहीं जाता है। वो आज नहीं तो कल आपके जरूर काम आता है। तो अगर आपको भी बार बार रिजेक्शन मिलता है, बार बार हताशा निराशा मिलती है, तो आप अकेले नहीं हो। या आपके सामने अनुष्का शर्मा जी को देख लेना, कितने रिजेक्शन मिले हैं, फिर भी इन्होंने हार ना मानी और आज बेस्ट एक्ट्रेस में इनकी गिनती होती है। लाइफ में कभी भी रिजेक्शन से मत घबराना।